कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं थी, आज कार्यकर्ताओं की याद आई है। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष भागवत साहू ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर देर रात पीसीसी चीफ दीपक बैज ने खंडन कर दिया। उन्होंने निष्कासन की कार्रवाई को अफवाह बताया। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल सोमवार को राजनांदगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस ने उन्हें राजनांदगांव सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है और इस दौरान भूपेश बघेल अलग अलग विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कोनो मन गेरे हो जी मनन चिंतन करे बर कोई बुलारिन का चिंतन मनन करे बर एवं कमरे में बैठ के चिंतन और मनन लगते डरते कावा हरन आप मैं ये बात कभी स्वीकार करतो टंके चोट पे की थो। आज अगर पूरा देश में आज 3100 रुपए अगर धान भाजपा के सरकार दे पाते तो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी का, लेकिन वही आपके काम पूरा नहीं हो जाए। मैं टंके के चोट पे यहाँ किथो अगर 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक थन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दू, कोई नहीं करी। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहु बेटा के कोई ट्रांसफर है मोर कोई काम है मोर कोई तकलीफ है कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। और मैं मंच पे जब आयो आज एक चीज और देखे मिलीस, यह नया नया फोटो देखे मिलीस। 5 साल पहले हमारे नवा नवा फोटो देखे मिले, एक ढंग के फोटो देखे मिले। वो नेता कहाँ है? और अतेक बड़का नेता है, 5 जन ले जो क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव जो जाग भेजे वही बुलाओ आप लोग चुनाव के इस्तेमाल दिए कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए जिला अध्यक्ष जी आपको आप लोग मोर निष्कासन के अधिकार है आप मोर निष्कासित कर देना। मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी के जो भी यहाँ आदमी बैठे हुई मैं उनके लिए सदैव आपके लिए काम करूं। अक्की कहते हुए मैं आपके कोई कार्यक्रम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहूं, लेकिन मौका इसे मिले नहीं, मौका कभी मिलीस नहीं। 5 साल हम तुहर तीर में नहीं उधन सके और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। मैं अगर कोई मोर से गलत बात कह रहा हूं तो मैं आपसे माफी चाहते हुए सब कार्यकर्ता एक बार प्रणाम करते हुए कि मोला आप बहुत सहयोग और सम्मान दे मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। और प्रदेश में मंगलवार को चौथे दिन भी बेमौसम बारिश ओले और आंधी का दौर जारी रहेगा। जबलपुर नरसिंहपुर समेत 13 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट है। वहीं डिंडोरी अनूपपुर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इन जिलों में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे